देखिए, जब भी हमको मोबाइल यूज़ में लेना होता है तो वो चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो वो किसी काम का है क्या? नो मैम। तो गवर्नमेंट को जीएसटी जब हमसे कलेक्ट करना है तो जीएसटी को हम पे क्या होना चाहिए? तमीज वाले शब्दों में कहते हैं लेवी। हाँ, लेवी होना चाहिए। लेवी होना चाहिए मतलब हम पे जीएसटी चार्ज होना चाहिए। और जीएसटी हम पे चार्ज कब होगा? जब चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट होगी। जब क्या अट्रैक्ट होगी? चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट होगी। इस चार्जिंग सेक्शन को अट्रैक्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड चलिए ठीक है, देखिए चार्जिंग सेक्शन को अट्रैक्ट करने से पहले हम जीएसटी लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जीएसटी लॉ। इस जीएसटी लॉ में हम कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे, अब मैं वो बात कर रही हूँ। हम जीएसटी लॉ में कौन कौन से एक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ सेक्शंस याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, नोट्स का बिल्कुल वही हाल है जो कस्टम में था, यानी जितनी बातें हम क्लास में पढ़ेंगे पेपर में एग्ज़ाम में वही घूम फिर के आएगी। तो जैसे चैप्टर वन में मैंने आपको बोला कि जीएसटी काउंसिल इम्पॉर्टेंट है, जीएसटीएन इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब चीज़ पे फोकस रखेंगे क्योंकि वही एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। जब हम प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर करेंगे देन यू विल कम टू नो। ठीक है, तो ये जीएसटी लॉ में हम कौन कौन से एक्ट पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ने वाले हैं हम जीएसटी एक्ट 2017, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। और क्या पढ़ेंगे? एसजीएसटी एक्ट 2017। और क्या पढ़ेंगे? यूटीजीएसटी एक्ट 2017। और क्या पढ़ेंगे? आईजीएसटी एक्ट 2017। और पढ़ेंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ऐसा फुल फॉर्म लिखाऊं सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी की? नो मैम। ओके, तो लिख लीजिए। नोट करेंगे तब मुझे बता दें कि नोट कर लिया। डन मैम। ओके। अब ना ये टेबल देख के तो वो व्हाट्सएप की OMG वाली इमोजी हो गई। ठीक है, OMG क्या होता है? ओ माई गॉड, इतने सारे एक्ट पढ़ने हैं। इनकम टैक्स में तो एक इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट में एक कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, इस जीएसटी में इतने सारे, कस्टम में एक कस्टम्स एक्ट 1962 पढ़ा था, इतने सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। नो, कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा? केवल एक एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और कौन सा वाला एक एक्ट पढ़ना पड़ेगा? ये वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने कल क्या बोला था, सीजीएसटी एक्ट बाकी सब एक्ट की परजाई है, नहीं परछाई है, केवल सीजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब जब तक मैं कुछ अदरवाइज ना कह दूं, सारे सेक्शन कौन से एक्ट को बिलोंग करेंगे? सीजीएसटी एक्ट को। फिर मतलब ये कुछ भी नहीं पढ़ने, हमने ऐसे भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऐसा चिन्ना चिन्ना सा पढ़ना पड़ेगा IGST एक्ट, बिल्कुल थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? केवल प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे बस, बाकी हमें कोई एक्ट नहीं पढ़ना। यानी हम कौन से एक्ट के बारे में बात करेंगे? CGST एक्ट के बारे में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक मैं कुछ अदरवाइज न कह दूं, हर सेक्शन किस एक्ट को बिलोंग करेगा? CGST एक्ट को। और जो CGST एक्ट के प्रोविजन है वही SGST के लिए भी एप्लीकेबल है, UTGST के लिए भी, IGST के लिए भी। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं आगे।
आ जाते हैं हमारे नोट्स पे और हम पढ़ने वाले थे चार्जिंग सेक्शन, यानी जीएसटी को लेवी करने के लिए, जीएसटी की लेवेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है? और चार्जिंग सेक्शन कौन सा है हमारा? हमारा चार्जिंग सेक्शन है 9 सबसेक्शन 1 ऑफ कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट? सीजीएसटी एक्ट 2017। यानी सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे और चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का है, ठीक है? अब सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है तो डेफिनेटली किसकी बात करेगा? सीजीएसटी की बात करेगा। और सीजीएसटी कौन सी सप्लाई पे लगता है बताओ? इंट्रास्टेट। सीजीएसटी लगता है इंट्रास्टेट सप्लाई। यानी चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, ठीक है? चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि सीजीएसटी शैल बी लेवीड, सीजीएसटी लेवीड होगा ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ। सीजीएसटी किस पे लेवी होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसकी? या तो गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की। किसकी? देखिए ये और एंड में फर्क होता है ना, ये क्या है? Yes, ma'am. और है या एंड है? और है, और है, ठीक है? यानी हम क्या बोल रहे हैं, सप्लाई या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो। अगर मैं एंड लिख देती तो क्या फर्क हो जाता इसका मतलब? अगर मैं एंड लिख देती तो फिर जीएसटी, हाँ, अगर मैं एंड लिख देती तो जीएसटी लेवेबिलिटी के लिए मुझे हमेशा क्या चाहिए था? किसकी सप्लाई हो? गुड्स एंड सर्विस दोनों की हो। लेकिन ये तो जरूरी नहीं होता ना दोनों की हो। जब मैं दवाई की दुकान पे जाती हूँ तो मैं क्या लेके आती हूँ? गुड्स। जब मैं मेरी कार ठीक कराती हूँ तब मैं क्या लेती हूँ? सर्विस। जब मैं सर्विस, जब मैं एक सलोन में जाके सर्विस लेती हूँ और आते समय कुछ कॉस्मेटिक्स भी खरीद लेती हूँ तो मैंने क्या लिया? गुड्स एंड सर्विस दोनों, ठीक है? तो या तो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की सप्लाई हो या दोनों की हो, यानी चार्जिंग सेक्शन की पहली बात। ऑल मतलब आपके आसपास वायुमंडल में जितनी भी तरीके की गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई हो सब पे जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ दो? प्यारे बच्चे को छोड़ दो। और प्यारा बच्चा कौन है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी लगेगा क्या? नो मैम। हाँ, मतलब ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन तो इतनी बड़ी चीज है। आप देखो, लोगों को कोविड से भी डर नहीं लगता है, किसी को भी कोरोना हो लेकिन लिकर की शॉप्स पे भर भर के भीड़ होती है। वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क, कुछ भी नहीं चाहिए होता है, है ना? गवर्नमेंट को भी वहां सलाह नहीं देनी होती है किसी को। ओके, तो ये दो बातें हो गई चार्जिंग सेक्शन की। अगली बात, जीएसटी किस पे लगेगा? वैल्यू पे लगेगा। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है वो पर यूनिट है या परसेंटेज है? परसेंटेज क्वांटिटी पे लगता है या अमाउंट पे? अमाउंट पे। तो जीएसटी लेवी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक अमाउंट चाहिए। और वो अमाउंट हम कहाँ से लेके आएंगे? सेक्शन 15 से लेके आएंगे, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज की आखिरी बात, ये जो जीएसटी लगेगा, लेवी होगा,
किस रेट से लेवी होगा? उस रेट से लेवी होगा जो रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी काउंसिल की सलाह पे। लेकिन रेट किससे ज्यादा नहीं हो सकती, जीएसटी की रेट किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 28% से होगी मैम मेरे हिसाब से। 20% से ज्यादा? 60%। क्या बोला मैंने? जीएसटी की रेट 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी सीजीएसटी की रेट किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 20%। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? जीएसटी उस, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ, चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि जीएसटी उस रेट से लगेगा जो रेट काउंसिल सलाह देगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। लेकिन ये रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सीजीएसटी की रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20%। यानी जीएसटी की रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 40%। लेकिन हाल फिलहाल काउंसिल ने क्या कर रखा है, हमारे आपके ऊपर दया करके रखी है और जीएसटी की रेट, हाईएस्ट जीएसटी की रेट कितनी रिकमेंड करके रखी है? 28%। लेकिन अगर काउंसिल चाहे तो किसी प्रोडक्ट पे कितनी रेट रिकमेंड कर सकता है? 40%। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस सबको। दिव्यांश बात समझ में आ गई? मैम एक बार रिपीट करो ना वापस। मैंने ये बोला कि जीएसटी की रेट लगेगी जो काउंसिल नोटिफाई, जो काउंसिल रिकमेंड करेगा, जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि गवर्नमेंट कितनी रेट नोटिफाई कर सकती है? मैक्सिमम 20%। और ये हम किसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी का। तो डेफिनेटली ये रेट भी किसकी है? सीजीएसटी की। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम कितनी रेट नोटिफाई कर सकती है सीजीएसटी की? 20%। यानी जीएसटी की 40%। और अभी जो मैंने आपको जीएसटी रेट स्ट्रक्चर बताया उस हिसाब से गवर्नमेंट ने एट प्रेजेंट कितनी रेट नोटिफाई करके रखी है मैक्सिमम जीएसटी की? 28%। यानी अगर किसी प्रोडक्ट पे चाहे तो गवर्नमेंट कितनी रेट ज्यादा से ज्यादा नोटिफाई कर सकती है? 40%। अभी आ गई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, लेकिन तभी करेगी गवर्नमेंट जब हमारे फूफा जी सलाह देंगे, जब काउंसिल रिकमेंड करेगा, ठीक है। और जीएसटी किससे कलेक्ट किया जाएगा? टैक्सेबल पर्सन से। हाँ, ये टैक्सेबल पर्सन कौन है? ये जीएसटी का खरबूजा है, लिख लो ऐसे, ये जीएसटी का खरबूजा है। खरबूजे की क्या खास बात होती है? खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा कौन? खरबूजा। खरबूजा, बस। तो टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि तुम टैक्स जमा कराओगे तो वही टैक्स जमा कराएगा। यानी सरकार को जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी किसके कंधों पे डाल दी? टैक्सेबल पर्सन के कंधों पे डाल दी। गवर्नमेंट जीएसटी किससे कलेक्ट करेगी? गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करेगी? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, टैक्सेबल पर्सन से। कोई मैं नहीं बोल रही हूँ सप्लायर, ऐसा आप बोल रहे हैं। गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करेगी? टैक्सेबल पर्सन से। अब कौन होगा टैक्सेबल पर्सन, हम बाद में पढ़ेंगे। इन चार पांच बुलेट्स को वापस पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और फिर हम क्लास ओवर करते हैं। जीएसटी का खरबूजा मतलब हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट, लिख लीजिए। टैक्सेबल पर्सन हमारे जीएसटी का खरबूजा मींस Who is liable to pay GST to the government? जो GST government को देने के लिए जिम्मेदार है। मैम। हाँ बोले। मैम जैसा GST counseling का decision अगर government को सही नहीं लगता तो फिर government नकार देगी। तो ऐसे बोले, GST council की recommendation अगर government को सही नहीं लगती तो government ना बोल देगी। फिर मैम decision कैसे लेगी, खुद लेगी या फिर किसी और को कहेगी?
नहीं, फिर डिसीजन नहीं ले सकती, फिर काउंसिल के पास वापस प्रपोजल जाएगा, वो उसे रिव्यू करेगा। और तब भी उनको नहीं लगा सही? तो देखिए, पावर गवर्नमेंट की ही है, अगर गवर्नमेंट को काउंसिल का रिकमेंडेशन सही नहीं लगता तो गवर्नमेंट उसे नोटिफाई नहीं करेगी। काउंसिल इज जस्ट अ रिकमेंडरी बॉडी। आज हम अपने अपने सिलेबस का, अपने जीएसटी वाले मॉड्यूल का, अपने नोट्स का सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात की, और मैंने आपको बोला कि जो जीएसटी लॉ का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है वो चार्जिंग सेक्शन की बात करता है, और 9 सबसेक्शन चार्जिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो 9 सबसेक्शन 1 और 9 सबसेक्शन 2 की कंबाइंड रीडिंग मुझे करनी पड़ेगी। वो कंबाइंड रीडिंग करने से ही मुझे समझ में आएगा कि चार्जिंग सेक्शन एग्जैक्टली क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने चार्जिंग सेक्शन का एक पार्ट पढ़ा था और एक पार्ट हम आज पढ़ेंगे। यानी चार्जिंग सेक्शन को जब भी हम बात करेंगे जीएसटी में, चार्जिंग सेक्शन मींस कब जीएसटी लेवी होगा, क्या कंडीशंस होगी जीएसटी की लेवेबिलिटी के लिए, तो चार्जिंग सेक्शन की जब मैं बात करूंगी तो मुझे चार्जिंग सेक्शन की कंबाइंड रीडिंग करनी पड़ेगी, है ना। कंबाइंड रीडिंग का मतलब मुझे 9 सबसेक्शन 1 एंड 9 सबसेक्शन 2 की साथ में रीडिंग करनी पड़ेगी। 9 सबसेक्शन 1 जो ये कहता है कि सीजीएसटी लेवी होगा ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, एक्सक्लूडिंग लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ दीजिए, वैल्यू पे लेवी होगा, वो वैल्यू हम अंडर सेक्शन 15 डिसाइड करेंगे, उस रेट से नोटिफाई होगा जो रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है, और जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। ये हमने जो बातें थी वो हमने 9 सबसेक्शन 1 में पढ़ी। 9 सबसेक्शन 2 मुझे क्या कहता है, ये सब जो कह रहा है वो ठीक है, ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगेगा एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे तो कभी नहीं लगेगा क्योंकि इसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से ही बाहर रखा गया है। बट वो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम हमने आर्टिकल 246A को डिफाइन करते टाइम पढ़े थे, उनकी बात 9 सबसेक्शन 2 में कही गई। बोले कि सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा सीजीएसटी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ते हुए, पर ये जो हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, मतलब क्रूड जो है, मोटर स्पिरिट है, ठीक है, हाई स्पीड डीजल है, क्रूड है, मोटर स्पिरिट है, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी नहीं लगेगा। देखिए क्या बोला मैंने, लिकर पे कभी नहीं लगेगा, इनके ऊपर अभी नहीं लगेगा, मतलब कब लगेगा, तब लगेगा फ्रॉम सच डेट एज, फ्रॉम सच डेट एज गवर्नमेंट नोटिफाई, उस डेट से लगेगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उस डेट से, ठीक है, और जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस डेट से जीएसटी लगेगा इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो ये कभी नहीं, अभी नहीं को याद रखेंगे, लिकर पे कभी नहीं, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी नहीं, ठीक है। तो दिस इज अ चार्जिंग सेक्शन। अगर जब भी आपको चार्जिंग सेक्शन की बात बताने को आए या सवाल पूछा जाए तो 9 सबसेक्शन 1 एंड 9 सबसेक्शन 2 दोनों को साथ में बताएंगे, जैसा कि देखो हमारे नोट्स में भी यही ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, आप देखिए, 9 सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा था, ठीक है, और ये 9 सबसेक्शन 2
टू के बारे में बात की गई है. ओके, ये नाइन सबसेक्शन टू के बारे में बात की गई है. ठीक, चलिए. तो ये तो हुई हमारी चार्जिंग सेक्शन की बात, है ना, चार्जिंग सेक्शन की बात. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे, देखिए इस टॉपिक में, ये चैप्टर टू में जो बाकी बातें लिखी हुई है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जो कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके रेलेवेंस की नहीं है और तो उसको मैं आगे वाले चैप्टर में कवर कर लूँगी. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, सप्लाई की बातें करते हैं, सप्लाई के बारे में बात करते हैं और सप्लाई के बारे में क्या कहा गया. नाउ देखिए, मैंने आपको बोला कि नाउ दिस इज अ वन नेशन वन टैक्स, है ना, ये जो अब है हमारा वन नेशन वन टैक्स है. क्या है? वन नेशन वन टैक्स है, यानी अभी पूरे इंडिया पे जीएसटी लगेगा. लेकिन कब लगेगा जीएसटी? जब सप्लाई होगी. कैसे वाली सप्लाई हो भाई? कैसे भी चलेगी, कैसी भी चलेगी, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई तो भी चलेगी, या इंटर स्टेट सप्लाई तो भी चलेगी, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, दोनों में से कोई भी सप्लाई हो, जीएसटी लेवी करेंगे तो सप्लाई होनी ही चाहिए. यानी ये सप्लाई जो है वो जीएसटी लॉ का सिंगल टैक्सेबल इवेंट है. ये जब टैक्सेबल इवेंट होगा तभी, मतलब जब ये ऐसे घटना कह दीजिए, इसे दुर्घटना कह दीजिए, अगर ये घटना घटेगी, ये दुर्घटना घटेगी, तभी जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा. यानी जीएसटी लेवी होने के लिए मुझे सप्लाई चाहिए. इंट्रा स्टेट होगी तो भी चलेगी, इंटर स्टेट होगी तो भी चलेगी. ठीक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा या सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो जीएसटी लॉ में, वो क्या है? सप्लाई. अगर सप्लाई समझ में आ गया तो मान के चलिए पूरा जीएसटी समझ में आ गया. यानी सप्लाई को हमने क्या बोला? सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है. लेकिन सप्लाई को होने के लिए सप्लाई के साथ मुझे पांच पैरामीटर पूरे करने पड़ेंगे. क्या पूरे करने पड़ेंगे? पांच पैरामीटर पूरे करने पड़ेंगे. यानी हम इस कंसेप्ट को कहते हैं, इट इज सप्लाई प्लस फाइव. ये सप्लाई जो है ना, ये हमारी मूवी का हीरो है. यानी ऐसे मान लीजिए ये हमारी मूवी के सलमान खान हैं. ठीक है, लेकिन सलमान खान के साथ मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे पांच हीरोइन चाहिए. ठीक है, पांच एक्ट्रेस चाहिए और सलमान खान चाहिए. अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, और अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो अब देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी मूवी में सलमान खान है, तो क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर सलमान खान का स्क्रीन टेस्ट लेंगे? नहीं, सलमान खान का नहीं लेंगे. फिर किसका लेंगे? हीरोइन का लेंगे, क्योंकि सलमान खान तो अपने आप में ही इज़ अ बिग शॉट, बड़ा नाम है. बोले वो आएंगे तो मूवी चलेगी ही चलेगी. ठीक है, तो पांच हीरोइन जो है उनका स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद सलमान होंगे. यानी अगर मैं बात कहूँ, मूवी में हीरो की एंट्री जानदार होती है, शानदार होती है, धमाकेदार होती है, तो हमारी मूवी में भी हीरो की एंट्री होगी. ठीक है, हमारी मूवी में भी हीरो की एंट्री होगी. और अगर हीरो आया, और किसके साथ आया? पांच हीरोइन के साथ आया, तो मूवी 100% ब्लॉकबस्टर है. यानी हम क्या बात कर रहे हैं, टेक्निकल शब्दों में कहूँ कि सप्लाई को घटित होने के लिए मुझे सप्लाई की, सप्लाई क्या है? एक ट्रांजैक्शन है, एक एक्टिविटी है. ठीक है, मुझे किसी ट्रांजैक्शन या किसी एक्टिविटी के साथ अगर ये पांच पैरामीटर पूरे हो गए, ठीक है, तो हम कहेंगे सप्लाई घटित हो गई. और अगर सप्लाई हुई
तो जीएसटी लेवी होगा, और अगर सप्लाई ही नहीं हुई तो सिरे से ही कहानी खारिज, खत्म, जीएसटी लेवेबिलिटी की बात ही नहीं आएगी। तो सप्लाई को पे जीएसटी लेवी होने के लिए मुझे सप्लाई के साथ 5 पैरामीटर चाहिए। मैं क्या बोलूँगी, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट इफ, ठीक है, पहला पैरामीटर, सप्लाई किसकी हो ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई किसकी होनी चाहिए, या तो गुड्स की होनी चाहिए या सर्विसेज की होनी चाहिए या दोनों की होनी चाहिए। मतलब जैसे जैसे आप कुर्सी बेचिए, आप टेबल बेचिए, आप फ़ोन बेचिए, आप लैपटॉप बेचिए, ये सब क्या हैं, गुड्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हम एक एक पैरामीटर के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, पूरी एक एक क्लास हमें इसके ऊपर लगने वाली है, ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट में केवल हम पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सर्विस, आप सलून जाते हैं, आप अपनी एसी ठीक कराते हैं, आप अपनी बाइक रिपेयर कराते हैं, वो सब सर्विसेज। तो सप्लाई या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो, ठीक है। दूसरी बात, सप्लाई मस्ट बी अगेंस्ट कंसीडरेशन, यानी जब भी सप्लाई हो सप्लाई के बदले में कंसीडरेशन होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, गुड्स दे रही हूँ या सर्विस दे रही हूँ? यस, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, बिल्कुल ठीक, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ। इस सर्विस के बदले में आपने मुझे फीस दी, तो मतलब आपने मुझे मेरी सर्विस का कंसीडरेशन दिया। पर मान लीजिए आपके आलू प्याज की खेती है, आपने बोला मैडम फीस नहीं है देने के लिए, आप तो एक बोरी आलू ले लो और एक बोरी प्याज ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैंने अपनी सर्विस के बदले में जब आपसे आलू प्याज लिए तो मेरा ये कंसीडरेशन कैसा हो गया, नॉन मॉनेटरी, यानी समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो और उसके बदले में कंसीडरेशन होना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक। तीसरी बात, तीसरा पैरामीटर, जब भी आप सप्लाई करें तो सप्लाई मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए या बिजनेस के दौरान सप्लाई होनी चाहिए। जब मैं कहती हूं बिजनेस के लिए या बिजनेस के दौरान, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम कमर्शियल मोटिव। से फॉर एग्जाम्पल बबलू हैं, ठीक है, बबलू की मम्मी बड़ी बातूनी है और बबलू की जो पड़ोसी आंटी है वो भी बड़ी बातूनी है, और पड़ोसी आंटी को मांगने की आदत है, रोज कटोरी लेके आती है, बबलू की मम्मी से कहती है भाभी जी एक कटोरी दही दे दो। ठीक, अब बबलू की मम्मी भी बड़ी होशियार हो गई है, बोले कि ऐसा करना वो जो कल जो कटोरी दी थी ना उसमें एक कटोरी चीनी लेते आना भाभी जी, फिर दही ले जाना। यहाँ पे बबलू की मम्मी ने उस एक कटोरी में दही सप्लाई किया, गुड्स सप्लाई किया, गुड्स, क्या उसके बदले में उन्हें कंसीडरेशन मिला? हाँ मिला, एक कटोरी चीनी मिली, ठीक है। यानी बबलू की मम्मी ने गुड्स सप्लाई किया, उसके बदले में उन्हें कंसीडरेशन भी मिला, पर ये मॉनेटरी कंसीडरेशन है या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, ठीक है, लेकिन कंसीडरेशन है, गुड्स भी है, लेकिन ये मम्मी बबलू की मम्मी का बिजनेस नहीं है। तो सप्लाई होने के लिए गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो, बदले में कंसीडरेशन हो, और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। चौथा पैरामीटर, सप्लाई किसके द्वारा हो, हमारे खरबूजा भैया के द्वारा। खरबूजा भैया कौन थे? बाय टैक्सेबल पर्सन, यानी सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और सप्लाई लेने वाला कोई भी हो चलेगा। टू टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्सेबल पर्सन, यानी सप्लाई करने वाला या सप्लाई लेने वाला, या तो टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन टैक्सेबल पर्सन हो। और पांचवा पैरामीटर, जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। हम डिटेल में पढ़ेंगे इन पैरामीटर्स को,
अभी टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिसको गवर्नमेंट से छूट न मिली हो, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए इन टैक्सेबल टेरिटरी. टैक्सेबल सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में, टेरिटरी मतलब इंडिया में, टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में. अगर ये पांचों पैरामीटर पूरे हुए, ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं इट इज कॉल्ड सप्लाई प्लस फाइव. अगर ये पांचों पैरामीटर पूरे हुए सप्लाई के साथ, तो जीएसटी लेवी होगा, अदरवाइज जीएसटी लेवी नहीं होगा. यानी ये सप्लाई की पूंछ है, पूंछ पकड़ के चलते हैं, ठीक है. पांचों पैरामीटर दिमाग में फिट कर लीजिए. आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में आप जितनी भी चीज़ें खरीदने जाते हैं और अगर बिल पे जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो ये मानिए ये पांचों पैरामीटर पूरे होते हैं. आप दवाई की दुकान पे चले जाइए, आप डीमार्ट चले जाइए, आप लाइफस्टाइल चले जाइए, एक पैन खरीदने चले जाइए, स्टेशनरी खरीदने चले जाइए, अगर माल बेचने वाला या सर्विस देने वाला बिल पे जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो मानिए ये पांचों पैरामीटर पूरे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट वाले ने आपको सर्विस दी, उसके बदले में आपने कंसिडरेशन दिया, वो रेस्टोरेंट वाले का बिजनेस भी है, रेस्टोरेंट वाला टैक्सेबल पर्सन भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है. तो जब रेस्टोरेंट का बिल आता है ना, तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगा होता है. तो हमारे आसपास वायुमंडल में जितनी भी सर्विसेज और गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, अगर इन पैरामीटर्स के साथ सप्लाई हो रहे हैं, तो जीएसटी लगेगा. बट मान लीजिए ऐश्वर्या राय को भी कास्ट किया गया था मूवी में, बट एंड टाइम पे उनकी और सलमान खान की लड़ाई हो गई, तो ऐश्वर्या राय ने मना कर दिया, भाई मैं तो मूवी नहीं करने वाली हूँ. तो क्या करे, प्रोड्यूसर मूवी बनाना छोड़ दे या चार हीरोइन के साथ मूवी बनाए? बिल्कुल बनाए मैडम, चार हीरोइन के साथ बनाए, क्या दिक्कत है, ठीक है. इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है इन पाँचों पैरामीटर्स में से कोई पैरामीटर पूरा ना हो. लिखिए मेरे साथ, एक्सेप्ट सेक्शन 7(1)(c). ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है. कैसे होगी हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई होगी. और इसका एक्सेप्शन लिखिए, एक्सेप्ट सेक्शन 7(1)(b), ठीक है. चलिए, तो दिस इज द सिचुएशन. ये हम कहते हैं कि दिस इज अ टैक्सेबल इवेंट. मैं आपको नोट्स में दिखाती हूँ कहाँ लिखा हुआ है, और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है. यस, देखिए ये, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट, ठीक है. अगर ये पांचों पैरामीटर पूरे होते हैं, तो यहां पे एक सवाल भी लिख लीजिए, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी लॉ. एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट क्या है. आपका जवाब, जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है अगर ये पांचों पैरामीटर पूरे होते हैं तो, ठीक है. चलिए, तो ये बात. अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हीरो की धमाकेदार एंट्री होती है, जानदार शानदार एंट्री होती है, और हमारा हीरो कौन है, सप्लाई. तो ये हीरो बाद में एंट्री लेगा, है ना. कब लेगा एंट्री, बाद में एंट्री लेगा. उसके पहले हम पांचों पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले हम सबसे पहले पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है. तो सप्लाई किसकी हो, ऑफ गुड्स या सर्विस. सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट गुड्स को डिफाइन करता है, और 2 सबसेक्शन 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सर्विस को डिफाइन करता है, ठीक है. सर्विस और गुड्स को देखिए,
गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल चीज़, विजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. सर्विस कोई भी इनटेंजिबल, इनविजिबल चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. तो लॉ ने बोला भाई गुड्स को कैसे समझना, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है. मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जिसको उठाने, हिलाने, डुलाने के लिए हनुमान जी की मदद ना लेनी पड़े. हम और आप जिसको बिना तोड़े फोड़े, बिना नुकसान पहुंचाए, डिसमेंटल किए इधर उधर लेके जा सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. बाकी तो सबको उठाने के लिए बजरंगबली ही चाहिए. तो जिन्हें हम और आप इधर से उधर मूव कर सके बिना तोड़े फोड़े, हैंडी जो चीज़ें हों, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. तो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम ले दीजिए, कप, पेन, किताबें, टेबल, चेयर, लैपटॉप, फ़ोन, सब क्या हैं, गुड्स हैं. जीएसटी लॉ कहता है सब गुड्स हैं. ठीक है, तो फिर सर्विस क्या होगी? बोले एनीथिंग अदर देन गुड्स. क्या बोला हमने? एनीथिंग अदर देन गुड्स. यानी गुड्स और सर्विस एक मयान में दो तलवार है. अब भाई एक मयान में तो दो तलवार नहीं रह सकती ना. तो अगर किसी चीज को गुड्स कह दिया तो वो सर्विस नहीं होगी, और अगर किसी चीज को सर्विस कह दिया तो गुड्स नहीं होगी. जो मैं आपके लिए कर रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, क्या मैं आपको गुड्स बेच रही हूं? नहीं, मैं आपको सर्विस दे रही हूं. जब आप किराने की दुकान से किराना खरीद के लेके आते हैं तो क्या वो व्यक्ति आपको सर्विस देता है? नहीं, वो गुड्स देता है. यानी जिसको मैं गुड्स कहूंगी उसको मैं सर्विस नहीं कह सकती, और जिसको मैं सर्विस कहूंगी उसको मैं गुड्स नहीं कह सकती. तो ये बात हुई. ठीक है, यानी जो गुड्स होंगे वो टेंजिबल होंगे, विजिबल होंगे, लेकिन जो सर्विसेज होंगी वो इनटेंजिबल होंगी और इनविजिबल होंगी. चलिए, बहुत अच्छी बात है. और ये गुड्स और सर्विस ना, ये जीएसटी के दो पिलर हैं, और इन दोनों को ही बहुत एलर्जी है, बहुत चिढ़ है, बहुत घृणा है, बहुत गुस्सा आता है इनको दो चीजों से. किससे? मनी एंड सिक्योरिटीज से. बोले ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से निकाल दो. किसको निकाल दो? मनी एंड सिक्योरिटीज को. यानी मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स भी नहीं कहोगे, सर्विस भी नहीं कहोगे, तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे. कुछ भी नहीं कहेंगे मतलब मनी को हम गुड्स भी नहीं कहेंगे, सर्विस भी नहीं कहेंगे. बोले मनी होती क्या है? वही बोला हमने मनी. आपको एक 2000 रुपए का नोट गिरा हुआ मिल गया, मन चंचल है, उठा लेंगे फट से. ठीक है, इस 2000 रुपए के नोट की फेस वैल्यू क्या है? 2000. और इस 2000 रुपए के नोट से आप बाजार में जाके क्या खरीद सकते हो? बोले कुछ भी खरीद सकते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 2000 रुपए के बराबर है. तो मनी का मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो. क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसी चीज जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है वो मनी कहलाती है. ठीक है, तो करेंसी हो गया, नोट्स हो गया, चेक हो गया, डीडी हो गया, सब मनी है. फिर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स. ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या हैं? सिक्योरिटीज हैं. इनको न गुड्स कहेंगे न सर्विस कहेंगे, यानी ये दोनों तो जीएसटी के दायरे से बाहर है. ठीक है, चलिए, ये तो एक बात. ठीक, अब और क्या? बोले गुड्स ना, मूवेबल प्रॉपर्टी तो गुड्स है, मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में हम कुछ इंक्लूड करने वाले हैं. क्या इंक्लूड करने वाले हैं? बोले इन दोनों को भी गुड्स बोलना. किसको गुड्स बोलना? अभी बताती हूं. गुड्स बोलना एक्शनेबल क्लेम को. ये क्या होता है? देखिए क्या होता है एक्शनेबल क्लेम. मान लीजिए जैसे ये डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड और ये हमारे बबलू. ठीक है,
इन दोनों के बीच में हुआ है एक रेंट एग्रीमेंट, यानी बबलू हमारे लैंडलॉर्ड हैं और डीसीसी टेनेंट है, और मंथली रेंट डिसाइड हुआ है 50,000 पर मंथ। अगर डीसीसी ने इस महीने का किराया न दिया तो बबलू क्या करेंगे? करेंगे क्या? कोर्ट केस कर देंगे। ठीक है भाई, कर देंगे कोर्ट केस। कोर्ट के पास जाकर बबलू बोले जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कि डीसीसी पे सूट फाइल करना चाहता हूँ, केस करना चाहता हूँ, कोर्ट सुनेगा इनकी बात? नहीं सुनेगा। तो इनके पास बेस क्या है? इनके पास बेस है ये रेंट एग्रीमेंट, यानी इस रेंट एग्रीमेंट के अगेंस्ट में ये डीसीसी पे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा क्लेम जिसको कि सिविल कोर्ट में, क्या बोला मैंने, जिसको कि सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके, जिसको कि सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके, वो एक्शनेबल क्लेम है। और जीएसटी लॉ ये कहता है कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स है। बस आप अभी इतना ही ध्यान रखेंगे, एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, जीएसटी लॉ ये कहता है। एक तो ये बात हो गई, इसको हम गुड्स कह रहे हैं, और हम किसको गुड्स कह रहे हैं, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, देखिए, और अगर आपको कुछ जाना पहचाना लगता है तो मुझे बताइए। ये जाना पहचाना लगता है क्या? कुछ ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ लगता है? हाँ बिल्कुल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो पढ़ा था। तो क्या बोलता है कि जमीन से जुड़ी हुई फसलें, घास या कोई भी चीज़ जो जमीन से अटैच्ड है, पेड़ एक्सेट्रा, अगर हमने उन्हें काट लिया है या काटने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, क्या बोला मैंने, अगर हमने उन्हें काट लिया है या काटने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो गुड्स है। मतलब जब तक जमीन से जुड़ी है तब तक गुड्स नहीं है, अगर काट लिया है या काटने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो गुड्स है। तो ये हो गई हमारी गुड्स की डेफिनेशन। अब देखो क्या लिखा है, मीन्स मतलब जो लिखा है वही समझिए। Every kind of movable property excludes money and securities, include actionable claim, मतलब जिसको कि सिविल कोर्ट में एनफोर्स करवाया जा सके। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, only, क्यों लिख रहे हैं बाद में बताऊंगी, अभी केवल लिखना है, only betting, gambling, लॉटरी इज इक्वल्स टू गुड्स, ये लिख लीजिए बस। क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कहाँ, कारण कहानी बाद में बताएंगे, बस अभी लिखिए बस, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास विच आर सीवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट टू बी सीवर्ड, इनको भी हमने गुड्स कहा। तो ये तो हुई हमारी गुड्स की बात, ठीक है। अब सर्विस रानी का क्या, बोले भाई देखो बताया तो सही अभी कि जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और मनी एंड सिक्योरिटीज से तो सर्विस को भी खासी एलर्जी है। बोले हम इसको भी, हम भी नहीं मानते इसको सर्विस। तो गुड्स और सर्विस दोनों की ही डेफिनेशन से क्या किया हुआ है, मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और सर्विस की डेफिनेशन में क्या शामिल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक कंसेप्ट के साथ समझते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इंक्लूड्स, सर्विस की डेफिनेशन में हम और क्या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड्स। देखिए ये लॉ क्या बोलता है कि मनी, क्या बोला मैंने, मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, बट मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, मैंने क्या बोला, मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जो
जिसके लिए, नोट करिए आप लोग भी, मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए, जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए वो सर्विस है। ओ भैया, मनी गुड्स नहीं है, मनी सर्विस भी नहीं है, बट मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज जिनके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए वो सर्विस है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, इस बात का मतलब मैं आपको बताती हूँ। ये डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड और ये बबलू का घर और ये चुन्नू का घर, ठीक है। डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड में बबलू सीएमए के स्टूडेंट हैं। इनकी क्लासेस ख़त्म होती है 3 बजे और जून का महीना। इन्होंने एक साइकिल रिक्शा किया और उस साइकिल रिक्शे पे बैठ के ये अपने घर को चले गए घर पे, और साइकिल रिक्शे वाले ने इनसे 10 रुपये मांगे, उसका किराया बनता है 10 रुपये। इनके पास था 100 रुपये का नोट, ठीक है। इन्होंने बोला भैया खुले नहीं है। साइकिल रिक्शे वाले भैया ने जोर जोर से इन्हें घूर के देखा, ठीक है। घरी भरी गर्मी का समय, 3 बज रहे हैं, बोले खुले नहीं है, तो डर गए बबलू, भागे भागे गए अपने दोस्त चुन्नू के पास। चुन्नू कुछ नहीं कर रहे हैं, चुन्नू सीएमए नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगी में ऐश है इनके, सो रहे हैं आराम से। इन्होंने इनकी डोरबेल बजाई और बोले चुन्नू वो खुले पैसे देना। चुन्नू का थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब है बबलू के साथ, बोले जो इसे उधार दे दिया तो ये तो पैसे नहीं लौटाने वाला। तो चुन्नू ने बोला कि हाँ ला 100 रुपये दे, खुले करके देता हूँ। तो बबलू ने चुन्नू को दिए 100 रुपये और चुन्नू ने इसके बदले में दे दिए 10-10 के नोट, ठीक है। यहाँ पर चुन्नू ने सुविधा दी, क्या सुविधा दी, बबलू को मार ना पड़े इसके लिए इन्होंने करेंसी का डिनोमिनेशन चेंज करके दे दिया, 100 रुपये के बदले में 10-10 के 10 नोट दे दिए। क्या यहाँ पर चुन्नू ने सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया, कुछ कंसीडरेशन लिया क्या? नहीं लिया, क्योंकि 100 रुपये के बदले में 10-10 के 10 नोट दे दिए, बराबर पैसे दे दिए। अब ना अगली कहानी, ये बबलू की आदत है रोज की, रोज सोचते हैं चुन्नू से उधार मिल जाए, रोज जाके 3 बजे उनके घर की डोरबेल बजा देते, बोले वो खुले पैसे देना रिक्शे वाले भैया को देने हैं। चुन्नू बड़े समझदार हैं, बोले ये तो रोज परेशान करता है, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो क्या किया चुन्नू ने, अब की बार जब बबलू ने 100 रुपये दिए तो चुन्नू ने 10-10 के 9 नोट पकड़ाए। तो बबलू ने गिने, बोले ये क्यों चुन्नू भाई, बोले बस ऐसे ही, अब ना तू रोज मुझे परेशान करता है तो मैंने सोचा कि ऐसे ही तुझे समझ में आएगी, तो ये 10-10 के 9 नोट। बोले 10 रुपये, बोले 10 रुपये तुझे फैसिलिटी दे रहा हूँ ना इसके। अब मुझे बताइए यहां पर चुन्नू ने बबलू के लिए क्या किया, चुन्नू ने बबलू के लिए क्या किया, कन्वर्जन ऑफ करेंसी फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनादर, करेंसी के एक डिनोमिनेशन को करेंसी के दूसरे डिनोमिनेशन में चेंज कर दिया, 100 रुपये डिनोमिनेशन को 10-10 रुपये में चेंज कर दिया, एंड फॉर विच सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज्ड। और उसके लिए क्या किया, सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया, यानी यहां पे चुन्नू ने मनी से रिलेटेड एक्टिविटी की जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया, तो चुन्नू के द्वारा की गई एक्टिविटी को कह देंगे सर्विस, क्योंकि क्या किया, मनी से रिलेटेड एक्टिविटी की जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया। ये कहानी नंबर एक। कहानी नंबर दो, अभी बबलू सीएमए बन गए हैं, सीएमए बबलू हो गए हैं, मतलब बनने वाले हैं, ठीक है, और इनको फाइनल का एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ामिनेशन फीस है 1200। इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है कि डीडी बना के भेजिए,
क्या 1200 रुपए लिफाफे में डाल के देने से काम बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से डीडी ही चाहिए। ठीक है, बोले ठीक है डीडी चाहिए। अभी डीडी हमारे घर में तो नहीं बनते। बबलू ने पापा को बोला पापा डीडी बनवाना है। पापा ने कहा ठीक है, कितने पैसे चाहिए, फीस कितनी है? बोले 1200। पैसे कितने चाहिए? बोले 1300। पापा ने पूछा क्यों? बोले डीडी बनवाना है, वो डीडी चार्जेस भी तो लगते हैं ना। पापा बड़े समझदार हैं, बबलू के पापा हैं। बोले 1250 रुपए में काम हो जाएगा बेटा। बबलू गए बैंक में और बबलू ने बैंक को क्या दिया? कैश 1250। और बैंक ने बबलू को क्या दिया? डीडी कितने रुपए का? 1200 रुपए का। ठीक है, यहां में बैंक ने क्या किया? बबलू की मदद की। कैसे? कन्वर्जन ऑफ करेंसी इन वन फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। करेंसी की एक फॉर्म को करेंसी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कैश को डीडी में कन्वर्ट कर दिया। और इसके लिए बैंक ने क्या किया? फॉर विच सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज्ड। ठीक है, यानी बबलू बैंक ने बबलू के लिए मनी से रिलेटेड एक एक्टिविटी की, मनी को करेंसी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कैश को डीडी में कन्वर्ट कर दिया, और उसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया। तो इसे क्या कहेंगे? सर्विस। ठीक है, केस थ्री। अब फाइनली जो बबलू हैं बन गए हमारे सीएमए बबलू। पापा इतने खुश है, पापा ने बोला जा बबलू जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, क्या बोला? जा बबलू जी ले अपनी जिंदगी। और बबलू कहाँ पहुंचे? बोले क्या पापा दुबई घूमने जाना है। पापा ने कहा डन, और पापा ने दे दिया एक बैग, और बैग में रुके थे 1,000,000 रुपए। ठीक है, क्या 1,000,000 रुपए लेके ऐसे थैला लेके बबलू दुबई घूमने चले जाएं? नहीं, करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो या तो दिरहम ले लें या डॉलर ले लें। बबलू ने कहा डॉलर लेऊंगा मैं तो। ठीक है, बबलू पहुंचे मनी एक्सचेंज डीलर के पास। ठीक है, और बोले 1,000,000 रुपए के बदले में डॉलर चाहिए। ठीक है, बबलू ने मनी एक्सचेंज डीलर को 1,000,000 रुपए दिए, और 1,000,000 रुपए के बदले में मनी एक्सचेंज डीलर ने इन्हें डॉलर्स दे दिए। क्या मनी एक्सचेंज डीलर बबलू के चाचा लग रहे हैं, मौसा जी फूफा जी लग रहे हैं? नहीं। तो मनी एक्सचेंज डीलर ने क्या किया बबलू के लिए? कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनादर, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, जिसके लिए फॉर विच ही चार्ज्ड सेपरेट कंसीडरेशन। जिसके लिए क्या चार्ज किया? सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया। तो इसे हम क्या कहेंगे? सर्विस। यानी कहने की बात क्या कि मनी में मनी एंड सिक्योरिटीज तो शामिल नहीं है, सर्विस में मनी एंड सिक्योरिटीज तो शामिल नहीं है, लेकिन मनी से जुड़ी कोई एक्टिविटी, मनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए वो सर्विस होती है। ठीक है, आप जो मैंने लिखा है उस तरीके से आप भी लिख लीजिए और ये तीनों एग्जाम्पल नोट करिए। यस यस, ठीक, बिल्कुल है ना। तो अब आप देखिए नोट्स। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सर्विस, इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी
फ्रॉम वन करेंसी टू अनादर अनादर डिनोमिनेशन अनादर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जैसे कैश या डीडी, वन करेंसी टू अनादर करेंसी INR टू डॉलर, वन डिनोमिनेशन टू अनादर डिनोमिनेशन 100 के बदले में 10 के नोट, जिसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिडरेशन होना चाहिए, सेपरेट कंसिडरेशन, तो हम इसे कहेंगे सर्विस, ठीक है। अब एक बात, अब मैंने बोला सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जो हैं, जैसे मनी गुड्स और सर्विस नहीं है, सिक्योरिटीज भी गुड्स एंड सर्विस नहीं है, बट लिखिए सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई एक्टिविटी जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाए, वो क्या है? सर्विस। मतलब कौन? मतलब स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर क्या काम करते हैं? यस, बिल्कुल ठीक, सिक्योरिटीज को खरीदवाते हैं, बिकवाते हैं, मतलब वो सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट अरेंज करते हैं। तो जो व्यक्ति सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटी करता है और सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज करता है, हम उसे सर्विस कहेंगे, ठीक है। यानी मैं शेयर बेचूं और मैं शेयर खरीदूं तो ना वो गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन मैं किसी के शेयर बिकवाऊं या खरीदवाऊं और उसके लिए कंसीडरेशन चार्ज करूं, कमीशन चार्ज करूं, तो कहेंगे सर्विस है, ठीक है। ये पैरा काट दीजिए और अब आज की क्लास की आखिरी बात, यस देखिए, नोट करेंगे सब मेरे साथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, नीदर गुड्स नॉर सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स भी नहीं कहलाती, सर्विस भी नहीं कहलाती, बट यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचूं या खरीदूं तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, बट एक्टिविटीज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू सर्विस, ठीक है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटी सर्विस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी बिल्डिंग का इंटीरियर डेकोरेशन किया, तो ये इंटीरियर डेकोरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे ना तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद रही हूँ ना बेच रही हूँ, ठीक है, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक्टिविटी कर रही हूँ। एग्जाम्पल, इंटीरियर डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर या रियल स्टेट एजेंट। रियल स्टेट एजेंट भी क्या करता है? प्रॉपर्टीज को खरीदवाता है, बिकवाता है और कमीशन चार्ज करता है। तो ये सब क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील नहीं करते, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? सर्विस। तो दिस वॉज दी फर्स्ट पैरामीटर, गुड्स क्या, सर्विस क्या, ठीक है। हम किसे कहेंगे गुड्स, किसे कहेंगे सर्विस, कौन सी चीजें गुड्स और सर्विस के दायरे से बाहर होंगी, ये हमारा पहला पैरामीटर है। क्योंकि अगर हमें जीएसटी लेवी करना है तो सप्लाई जो होनी चाहिए वो तो या तो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।